नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं उत्कर्ष उपाध्याय और आप सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के इस लाइव सेशन में। तो साथियों स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितन जी हैं, जितन कुमार जी प्रणाम। किरण जी हैं, नमस्ते। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को हर हर महादेव। एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, अपने साथियों के साथ सेशन को शेयर कर दें, जितने भी आपके मित्र हैं जो किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी जनरल कंपटीशन की, AFO, FCI, TA, MSc एग्रीकल्चर, ठीक है, BHU की, यूपी कैटेट की, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो उनसे जरूर शेयर कर दें, ठीक है। सत्येंद्र भार्गव जी हैं, शिवम जी हैं, ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को प्रणाम। आनंद जी हैं, आनंद सरोज जी हैं, अनीस हैं, विकास हैं, रमेश जी हैं, अंकित जी हैं, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। अनीश कुमार जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। सेशन को शेयर कर दें आप लोग। अतुल चौधरी जी हेलो, ठीक है। चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ, बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दीपांशु तिवारी जी हैं, ठीक है, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है शुगर केन की बात कर रहा है, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं शुगर केन के बारे में, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। शुगर केन के बारे में, शुगर केन के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, क्या है बेसिक, ठीक है। सैकरम ऑफिसिनेरम है, सैकरम ऑफिसिनेरम, ये क्या है, सैकरम ऑफिसिनेरम क्या है, नोबेल केन है, ठीक है। कैसी केन है, नोबेल केन, क्या है, नोबेल केन, ठीक है। सैकरम ऑफिसिनेरम क्या है, नोबेल केन, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। कौन इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, तो वेंकट रमन साहब, ठीक है, वेंकट रमन साहब, ठीक है। कौन डिस्कवर किया था इसको, वेंकट रमन साहब, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, TS वेंकट रमन साहब, ठीक है। सैकरम का मतलब ही होता है संस्कृत में सुगर, ठीक है। ये जो सैकरम है ना, संस्कृत शब्द का, संस्कृत में इसका मतलब ही होता है, संस्कृत में इसका मतलब ही होता है सुगर, क्या होता है बच्चों, सुगर, ठीक है। संस्कृत में इसका मतलब ही होता है सुगर, ठीक है। आलोक साक्य जी हैं, गुड इवनिंग। राजन जी, श्रद्धा वर्मा जी नमस्ते, विकास जी, आलोक जी, श्याममणि जी, राजन चौधरी जी, उपेंद्र यादव जी, सभी को गुड इवनिंग, सभी को प्रणाम। एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दें मित्रों, सभी से अनुरोध है सेशन को शेयर कर दें और लाइक वाली बटन दबा दें। सभी लोग जुड़ चुके हैं, एक बार लाइक भी कर दीजिए। श्याममणि जी प्रणाम आपको, ठीक है। तो ये जो है संस्कृत में क्या होता है, इसका मतलब होता है सुगर, सरकरा, ठीक है, सुगर या सरकरा जो भी आप समझिए, ठीक है। तो जो सैकरम ऑफिसिनेरम है ना, इसका जो क्रोमोजोम नंबर होता है ना, 2n = 80, 2n बराबर क्या होता है, 80 होता है क्रोमोजोम नंबर। यही नोबेल केन है, थिक केन है, और इसकी जो ओरिजिन है ना, जो इसकी ओरिजिन है ना, इसकी ही ओरिजिन न्यू गिनिया है, ठीक है। कहाँ है, न्यू गिनिया, कहाँ है इसकी ओरिजिन, न्यू गिनिया, ठीक है, न्यू गिनिया इसकी ओरिजिन है। इसकी ओरिजिन कहाँ है, न्यू गिनिया, किसकी, सैकरम ऑफिसिनेरम की, ठीक है। ये क्या है, नोबेल केन है। कौन डिस्कवर किया था, S वेंकटरमन ने डिस्कवर किया था, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक है सैकरम बारबेरी, ठीक है, ये इंडियन केन है, ठीक है, सैकरम बारबेरी, सैकरम बारबेरी, इसको कौन डिस्कवर, ये कहाँ है इसकी ओरिजिन, बारबेरी, ठीक है, इसकी ओरिजिन कहाँ है, ये इंडियन ओरिजिन की है। इसका जो क्रोमोजोम नंबर होता है 82 से लेकर के 124 तक होता है, ठीक है। ओरिजिन क्या है इसकी, इंडियन ओरिजिन की है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन की है, इंडियन ओरिजिन की है, ठीक है। यही क्वेश्चन एक बार BHU MSc AG के एंट्रेंस में पूछा था और इस पर थोड़ा सा बवाल हुआ था। सैकरम बारबेरी दिया हुआ था और ओरिजिन तो इसका इंडिया होना चाहिए, हालांकि न्यू गिनिया को कुछ लोग आई थिंक आंसर की में न्यू गिनिया माना था, बाद में उसको एक्सेप्ट करना पड़ा था। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, मतलब सैकरम बारबेरी जो है इंडियन ओरिजिन की है। और आपको एक और मिलती है सैकरम साइनेंसिस, ठीक है, सैकरम साइनेंसिस, साइनेंसिस, ठीक है, सैकरम साइनेंसिस है, ठीक है, चाइनीज ओरिजिन की है। क्या है सैकरम साइनेंसिस, क्या है सैकरम साइनेंसिस, जो है ये चाइनीज केन है, ठीक है, और इसका जो क्रोमोजोम नंबर होता है ना, इसका जो क्रोमोजोम नंबर होता है ना 118 होता है, 2n बराबर कितना होता है, 118 होता है बच्चों। समझ में आ रहा है। 2n बराबर क्या होता है 118। श्याम मनी जी नमस्ते, स्नेहा वर्मा नमस्ते, श्रद्धा जी हैं, ठीक है सभी को नमस्ते, अरुण शर्मा जी हैं, बिल्कुल एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। रोहित शुक्ला जी हैं, गुड इवनिंग रोहित शुक्ला जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम आपको सभी को। कार्तिक कुमार जी हैं, राम राम, ठीक है तो देखते हैं आगे। ठीक है अच्छा, इसकी कुछ वाइल्ड स्पीसीज भी हैं। सैकरम स्पॉन्टेनियम है, ठीक है सैकरम स्पॉन्टेनियम है और सैकरम रोबस्टम है। क्या है सैकरम स्पॉन्टेनियम है, सैकरम स्पॉन्टेनियम टेनियम और क्या है सैकरम रोबस्टम, ठीक है रोबस्टम, ठीक है सैकरम रोबस्टम जो है ये क्या है, ये भी वाइल्ड है, ये भी क्या है वाइल्ड है, ठीक है ये क्या है सैकरम बारबेरी इंडियन, और ये जो है सैकरम ऑफिसिनेरम, ये क्या है सरकरा, जिसका सैकरम का मतलब संस्कृत में क्या था सरकरा, सरकरा बोलते हैं ना सरकरा, ये सरकरा, ठीक है। तो ये जो है बेसिक थोड़ा सा मैं बताया। नोबेल केन है ये, ठीक है नोबेल केन किसके द्वारा डिस्कवर की गई, वेंकट रमन के द्वारा, टीएस वेंकट रमन के द्वारा। इसका क्रोमोसोम नंबर 80 होता है, न्यूगिनिया इसका ओरिजिन है। देखिए अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ परमानेंट टाइप ऑफ सुगर केन सेट, ठीक है परमानेंट रूट्स की बात कर रहा है, ठीक है तो जो शूट रूट्स होती है ना ये परमानेंट रूट होती है। क्या होती है ये क्या होती है, ये जो शूट रूट होती है ना ये क्या होती है, ये परमानेंट होती है, ठीक है ये परमानेंट होती है, ठीक है ये क्या होती है परमानेंट, और ये जो होती है ना, और ये जो सेट रूट्स होती है ना ये क्या होती हैं टेम्पररी होती हैं। क्या होती हैं सेट रूट्स जो होती है ना ये टेम्पररी होती हैं, टेम्पररी होती हैं, ठीक है टेम्पोररी होती है, ठीक है और ये क्या होती है ये परमानेंट होती है। आपका सॉल्यूशन क्या पूछा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में परमानेंट की बात किया है, ठीक है जब परमानेंट की बात किया है तो हम शूट रूट्स को लगा देंगे। शूट रूट्स क्या हो गई, शूट रूट्स जो होती हैं ये परमानेंट होती है, परमानेंट की देखिए बात कर रहा है क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है। टेम्पोररी की बात करता है तो क्या हो जाता है सेट हो जाता है, ठीक है इसलिए ये नहीं है, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है देखते हैं ठीक है। रोहित शुक्ला जी हैं, दीपांशु तिवारी जी हैं, आनंद प्रताप सिंह है, सैकरम स्पॉन्टेनियम वाइल्ड सुगर केन, जी हाँ बिल्कुल, अजय गंगवार जी हैं, ठीक है सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सुगर केन, सुगर केन के इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहा है, पुष्पक्रम की बात कर रहा है, गन्ने का पुष्पक्रम क्या है, ठीक है गन्ने के पुष्पक्रम के बारे में पूछ रहा है, ठीक है तो पहला ऑप्शन ही एरो दिया हुआ है, और ये जो एरो होता है ना यही गन्ने का पुष्पक्रम होता है, गन्ने का पुष्पक्रम होता है, ठीक है गन्ने का पुष्पक्रम क्या होता है, गन्ने का पुष्पक्रम एरो होता है, ठीक है गन्ने का पुष्पक्रम क्या होता है एरो होता है। और पैनिकल किसका होता है पैनिकल धान का होता है, ठीक है धान का होता है। और ईयर किसका होता है, ईयर अगर मिल जाए तो किसका होता है, ईयर किसका होता है, ईयर मैं बताया हूं आपको गेहूं का होता है, किसका होता है गेहूं का होता है, ठीक है कई जगह आपको स्पाइक्स मिल जाता है, और स्पाइक्स के समूह को स्पाइक्स ऑफ स्पाइक्सलेट बोलते हैं, ठीक है तो ये इन्फ्लोरेसेंस था, पुष्पक्रम था, गन्ने का क्या है पुष्पक्रम एरो है, समझ में आ रहा है गन्ने का पुष्पक्रम जो है वो एरो होता है। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं सभी लोग सही बता रहे हैं, मान सिंह जी हैं, गौरव जी हैं, अमित जी हैं, अजय गंगवार जी हैं, ठीक है बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है द बेस्ट सूटेड टेम्परेचर फॉर सुगर केन लाइज बिटवीन, देखिए कह रहा है जो सुगर केन के ग्रोथ के लिए, ठीक है सुगर केन के ग्रोथ के लिए जो सबसे बेस्ट टेम्परेचर है ना वो क्या होता है, तो सुगर केन के ग्रोथ की जब सबसे बेस्ट टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये होता है, क्या होता है 32 से 35 डिग्री। जब भी बेस्ट टेम्परेचर की बात करेंगे सुगर केन के ग्रोथ के लिए, ठीक है जब भी सुगर केन के ग्रोथ के लिए बेस्ट टेम्परेचर की बात करेंगे तो आपको क्या लगाना है 32 से 35 डिग्री लगाना है, ठीक है क्या लगाना है 32 से 35 डिग्री लगाना है, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है नोट कर लीजिए इसको, सुगर केन के लिए सबसे क्या होता है बेस्ट होता है, ठीक है। खुशी यादव जी ने कमेंट किया थैंक्स सर इंजीनियरिंग में हो गया, ठीक है देखते हैं आगे क्या है। आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अपने पास अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ध्यान दीजिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है AICRP ऑन सुगर केन वॉज स्टार्टेड इन, अच्छा ये AICRP क्या है, तो ऑल इंडिया क्या है ये देख लेते हैं क्या है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और जो सबसे पहला एआईसीआरपी है ना, वो जो है सबसे पहला एआईसीआरपी 1957 में आया था, और किस क्रॉप पर आया था? जिया मेज पर आया था। इस पे जिया मेज पे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिया मेज पर आया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मक्का बोलते हैं, मेज बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, गोल्डन जिवेल क्रॉप है, कहाँ की, अमेरिका की। ये अमेरिका की इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा रोल है। अब पूछ रहा है कि गन्ने पर एआईसीआरपी कब आया था ठीक है। तो गन्ने पर एआईसीआरपी जब भी बात करेंगे तो 1970-71 में। गन्ने पर एआईसीआरपी कब आया था? गन्ने पर एआईसीआरपी 1970-71 में आया था, ठीक है। गन्ने पर जो एआईसीआरपी है वो 1970-71 में आया था। समझ में आ रहा है सभी को? जी हाँ, अमित जी ने कमेंट किया है सर सी होगा। जितिन कुमार मेरे सर MSc AG के लिए बुक बता दो। MSc AG के लिए किस सब्जेक्ट के लिए बुक बता दें आपको, बताइए। बुक्स तो बहुत सारी हैं। खैर जितिन जी, कार्तिक कुमार सर यूपी कैडेट की तैयारी के लिए है क्या? जी हाँ बिल्कुल, यूपी कैडेट BHU के लिए, ठीक है। जितने भी MSc के आपके जनरल कंपटीशन है उनके लिए, जनरल कंपटीशन के लिए, इन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। देखते हैं आगे। तो गन्ने पर एआईसीआरपी आया था, ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। अच्छा, जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है ना, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहां पे है? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, लिख लीजिए। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ना, ये जो है ये कोयम्बटूर में है, ठीक है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये कहां पे है? ये कहां पर? ये कोयम्बटूर में है, ठीक है। कोयम्बटूर में है। कहां पे है? कोयम्बटूर में है। अच्छा भाई, IISR कहाँ है? IISR, ठीक है। IISR बताइए कहाँ है, कमेंट करिए आप लोग। मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। लिख लीजिए IISR कहाँ है, बताइए। मैं कमेंट करिए, मैं सबके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, क्या है? शुगर केन रिसर्च, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है। लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है, ये लखनऊ में है। अच्छा, एक और इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक और इंस्टीट्यूट है जो कि कानपुर में है। वो कौन सा इंस्टीट्यूट है, कोई बताएगा? ठीक है, कोई बताएगा, बताइए। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है ISI, ठीक है। वो क्या है? इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट। क्या है? इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है बच्चों। कहाँ पे है? कानपुर में है, ठीक है। देखिए, 3 इंस्टीट्यूट बताया। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है, ठीक है, कोयम्बटूर में है। और क्या है आपका, कह रहा है IISR कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है। वर्तमान में डॉक्टर AD पाठक जी इसके डायरेक्टर हैं। और क्या है? ISI इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट, ये कहां पे है? कानपुर में है। समझ में आ रहा है सभी को? एक बार कमेंट कर दें सभी मित्रों से अनुरोध है, एक बार कमेंट कर दें। श्याम मनी जी, आपसे ही सीखा है सर एग्रीकल्चर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेहनत करिए, बिल्कुल आप अपनी मेहनत से सीखे हैं, बिल्कुल आपकी ये मेहनत है। हालांकि आपने हमें कहा, के लिए आपका आभार। सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। देखिए, बैच ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। ऑनलाइन बैच फिलहाल लॉन्च नहीं हुआ है, ऑफलाइन बैच चल रहा है, आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कुंवर हेमंत जी हैं, एग्रीकल्चर बॉय हैं, ओनली हिंदुइज्म, अनक्रिप्टेड बॉयज, सभी लोग, ठीक है, सभी लोगों का स्वागत है। देखिए और क्या कह रहा है, कह रहा है अदसाली शुगर केन इज प्लांटेड इन। अदसाली की बात कर रहा है, तो थोड़ा और देख लेते हैं। 3 है इसमें, ठीक है, तीनों देख लेते हैं। अदसाली तो ये लिख दिया, ठीक है। एक है अदसाली, दूसरा क्या होता है? एकसाली, ठीक है, और तीसरा क्या होता है? ऑटम, ठीक है। तीनों की बता दे रहे हैं, तीनों की प्लांटिंग कब होती है, तीनों आप लिख लीजिए, ठीक है। तो जो अदसाली होता है ना, अदसाली का मतलब है क्या? 1.5 साल, ठीक है, 1.5 ईयर, 1.5 साल में कंप्लीट होता है, ठीक है, 1.5 साल में कंप्लीट होता है अर्धसाली। ठीक है, 1.5 साल में। अर्धसाली कितने दिन में कंप्लीट होगा? 1.5 साल में। और ये जो इसका टाइमिंग होता है ना अर्धसाली का, अर्धसाली का टाइमिंग होता है, नोट कर लीजिए अर्धसाली का, सभी लोग टाइमिंग नोट कर लें। अर्धसाली का जो प्लांटिंग का टाइमिंग होता है ना, ये क्या होता है? जून जुलाई, वही जुलाई अगस्त, देखिए दिया हुआ है जुलाई अगस्त अपने पास है। तो ये जो है ना, ये अर्धसाली की प्लांटिंग का टाइम है। क्या है? जुलाई अगस्त। क्या है अपने पास? जुलाई अगस्त। ठीक है, जुलाई अगस्त जो है अर्धसाली के प्लांटिंग का टाइम है। और एक साली के प्लांटिंग का टाइम क्या है? जब भी एक साली की बात आएगी, ठीक है, तो ये फरवरी मार्च में, ठीक है, फरवरी मार्च में, ठीक है, फरवरी मार्च में एक साली की प्लांटिंग करते हैं। ठीक है, जो एक साली। और जो ऑटम है, इसकी प्लांटिंग कब होती है? ऑटम नाम में ही है, ठीक है, तो लगभग अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में, इसको नोट कर लेंगे आप सभी। अर्धसाली, एक साली, ठीक है, और ऑटम, ये तीनों हैं। ठीक है, ये तीनों प्लांटिंग होती है शुगर केन की। अर्धसाली, एक साली, अर्धसाली जो होता है 1.5 साल का होता है, एक साली 1 साल, ऑटम 1 साल। ठीक है, और ये क्या है? ऑटम की प्लांटिंग अक्टूबर नवंबर में, एक साली की प्लांटिंग फरवरी मार्च में, और अर्धसाली की प्लांटिंग जो है, अर्धसाली की प्लांटिंग जो होती है, ये जुलाई अगस्त में होती है। ठीक है, सौरभ साके जी गुड इवनिंग। ठीक है, दीपांशु तिवारी ए, श्रद्धा वर्मा हैं, अविनेश यादव जी हैं, स्वतंत्र भार्गव जी हैं। ठीक है, चलिए सर ऑनलाइन बैच कब स्टार्ट होगा? देखिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं, अभी कह नहीं सकते। जब भी लॉन्च होगा आपको जरूर सूचना दिया जाएगा। बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्च किया जाए बैच को। ठीक है, बहुत जल्द हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का फोन आता है, तो कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है बहुत जल्द आप लोग को ऑनलाइन बैच मिल जाए। ठीक है, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दें, सभी मित्रों से अनुरोध है सेशन को शेयर कर दें। इतने सारे लोग हैं, लाइक भी कर दें, लाइक भी करते रहिए साथ साथ में आप सभी लोग। ठीक है, स्नेहा वर्मा जी हैं। ठीक है, चलिए सभी का, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को, देखते हैं आगे। ठीक है, अर्धसाली, एक साली और ऑटम, ये आप लोग को समझ में आया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। बेसिकली ये जो दोनों है ना, ये जो अर्धसाली और एक साली है ना, ये जो दोनों है अर्धसाली और एक साली, ये जो है ना अर्धसाली और एक साली, ये दोनों कहाँ है? साउथ इंडिया में बेसिकली प्रैक्टिस की जाती है। कहाँ पर? साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। कहाँ पर? साउथ इंडिया में इनकी प्रैक्टिस की जाती है, मतलब इनको साउथ इंडिया में। ये जो है, ये अपने यहाँ का है, कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। बेसिकली बोल रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ। ठीक है, जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास। देखिए कह रहा है The top portion of sugarcane should be selected for seed purpose because bud tissues are rich in। देखिए जो top portion होता है ना, top का 1/3 पोर्शन, टॉप का जो 1/3 पोर्शन होता है ना, वो ग्लूकोज में रिच होता है, इसमें ग्लूकोज में। ठीक है, इस वजह से टॉप का जो 1/3 पोर्शन है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया। ठीक है, सुक्रोज किससे बना होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। किससे बना होता है सुक्रोज, ये भी जान लीजिए। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के साथ क्या होता है, जब फ्रक्टोज मिलता है तो क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। और ये जो है ना सुक्रोज, ये शुगर केन का जो निचला हिस्सा है ना, नीचे का 2/3 भाग, शुगर केन में सुक्रोज ही पाया जाता है जो शुगर के फॉर्म में है। और ये होता क्या है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है। और गैलेक्टोज क्या होता है? गैलेक्टोज जो होता है एपिमर होता है ग्लूकोज का, C4 एपिमर होता है। जो लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे वो थोड़ा समझ जाएंगे, कोई बात नहीं। और माल्टोज क्या होता है? ठीक है, माल्टोज जो होता है ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या होता है? माल्टोज होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये जो है ग्लूकोज, सबसे टॉप पोर्शन में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, इसीलिए जो टॉप पोर्शन है इसी को हम सेलेक्ट करते हैं। किसके लिए टॉप पोर्शन को सेलेक्ट करते हैं? सेट्स के लिए तैयार करने के लिए, सीड तैयार करने के लिए। ठीक है, केन सेट्स या सीड तैयार करने के लिए। ठीक है, अदिलेश राज जी हैं, सोनम देवी हैं, दीपांशु हैं। चलिए बिल्कुल, श्याम मणि जी सर एग्रीकल्चर के साथ कंप्यूटर क्लास कर लें सर, बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, आपको जो जो सही लगे आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं अपने पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर शुगर ट्रांसलोकेशन इन शुगर केन। ठीक है, देखिए जो शुगर ट्रांसलोकेशन में जब आप पोटास का रोल पढ़ेंगे ना, पोटास का, तो पोटास का बेसिकली रोल होता है शुगर केन ठीक है, शुगर के ट्रांसलोकेशन में, किसमें, शुगर के ट्रांसलोकेशन में, शुगर ट्रांसलोकेशन में, ठीक है। शुगर ट्रांसलोकेशन में इसका रोल होता है और इसीलिए पोटास क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर एक सीरीज लेके आए इस पे सारे न्यूट्रिएंट्स का तो वो कराएंगे अच्छे से उसको, ठीक है, कोई सीरीज लेके आएंगे इस पे भी। तो जो पोटास होता है ना, पोटास का क्या काम होता है, शुगर ट्रांसलोकेशन का काम होता है, क्या करता है, शुगर को ट्रांसलोकेट करता है, शुगर केन, ठीक है। शुगर ट्रांसलोकेशन, शुगर केन में किस एलिमेंट का रोल होता है, तो पोटास का रोल होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। शुगर ट्रांसलोकेशन का काम कौन करता है, तो पोटास करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, ठीक है। कह रहा है कि विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर केन इज क्रिटिकल फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए क्रिटिकल स्टेज कौन सा है, सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या होता है, सबसे पहला स्टेज होता है जर्मिनेशन, ठीक है, जर्मिनेशन लगभग 60 दिन तक रहता है, ठीक है, जर्मिनेशन, ठीक है। कब तक रहता है ये, लगभग 0 से 60 दिन तक, ठीक है। जर्मिनेशन के बाद क्या आता है, जर्मिनेशन के बाद आता है फॉर्मेटिव स्टेज, क्या आता है, फॉर्मेटिव स्टेज, क्या आता है, फॉर्मेटिव स्टेज, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, फॉर्मेटिव स्टेज के बाद क्या आएगा, ठीक है, जो आपका ग्रोथ फेज है, ठीक है, क्या है, ग्रोथ फेज, ग्रैंड ग्रोथ फेज जो है आपका ये आएगा, ठीक है, ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज, ठीक है। ये कब तक रहता है, ये सब कब तक रहते हैं, तो ये 60 तक हो गया, और ये जो है आपका लगभग 60 से 130 दिनों तक ये स्टेज रहता है। और ये जो होता है ना 130 से लगभग 250 तक, कब तक, 130 से लगभग 250 दिनों तक ये स्टेज चलता है, ठीक है, ये चलता है। और आखिरी स्टेज जो है ना राइपनिंग स्टेज है, राइपनिंग स्टेज है, ठीक है, क्या है, राइपनिंग स्टेज। और ये कब तक चलता है राइपनिंग स्टेज, वही आपका 250 से लेकर के मान लीजिए साल भर की क्रॉप है तो 365 दिन तक ये क्या है, फॉर्मेटिव स्टेज चलता है, समझ में आ रहा है। फॉर्मेटिव स्टेज कब चलता है, आखिरी में चलता है, समझ रहे हैं सभी लोग, ये जो होता है फॉर्मेटिव स्टेज होता है, ठीक है। और जो फॉर्मेटिव स्टेज है ना, ये राइपनिंग स्टेज, और ये जो फॉर्मेटिव स्टेज है ना, इसी स्टेज में इसको सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है, किस स्टेज में, फॉर्मेटिव स्टेज में, ठीक है। आनंद जी ने लिखा है फॉर्मेटिव स्टेज, जी हाँ बिल्कुल सभी सही जा रहे हैं। ये जो फॉर्मेटिव स्टेज है ना, इसी स्टेज में इसको सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। पानी की सबसे ज्यादा जो नीड है ना, पानी की सबसे ज्यादा नीड कब है, फॉर्मेटिव स्टेज में है बच्चों, समझ में आ रहा है। अमित चौरसिया जी हैं, सर मैं यूजी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, यूजी की क्लासेज कब से चलती हैं। यूजी की क्लासेज देखिए अमित जी, यूजी की क्लासेज जो है आपको शाम 4 से रात 9 तक चलती है दूसरे वाले चैनल पर, ठीक है, तिवारी एग्रीकल्चर क्लासेज, ठीक है, 11th 12th पे, वहां पे आपको मिल जाएगी यूजी की क्लासेज, ठीक है। सर बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुक बताइए। बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए डिपेंड करता है आप किस सब्जेक्ट से हैं, मैथ से हैं, बायो से हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, तो उस हिसाब से आप पढ़िए, ठीक है। और देखिए एक बुक से कभी भी, किसी एक बुक से कोई कंपटीशन नहीं निकलता है, बेसिकली पूरा पढ़ना पड़ता है। सब्जेक्टिव को ज्यादा आप लोग प्रेफर करिए, ऑब्जेक्टिव के बजाय आप लोग सब्जेक्टिव जो है उसको ज्यादा प्रेफर करिए प्रिंस जी, ठीक है। बढ़ते हैं, देखते हैं, ये देखिए चारों फेज था, जर्मिनेशन है, फॉर्मेटिव है, ठीक है, ग्रैंड ग्रोथ फेज है और राइपनिंग फेज है, ठीक है। ये एक साल में लगभग बता दिया। श्रद्धा जी ने लिखा यस सर समझ में आ रहा है, जी वेरी गुड, समझ में आना ही चाहिए, समझने के लिए ही हमने बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मेटिव स्टेज है। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दें, सभी मित्रों से अनुरोध है एक बार, सर एमएससी एजी एंट्रेंस बुक, देखिए वैसे तो एमएससी एजी एंट्रेंस के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, किसी एक बुक को क्या बताया जाए, और बिना सब्जेक्टिव के कुछ नहीं होगा। हालांकि कुछ बुक्स हैं सजेस्टेड बुक्स में जिसको आप पढ़ सकते हैं चाहो तो, अरुण कात्यायन की दोनों वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, अरुण कात्यायन की दोनों वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, नेमराज सुंडा है, ठीक है, एसआर कांतवा है, वो भी लगा लीजिए, ठीक है। और भी बुक चाहिए आपको, आर के शर्मा की बुक है, मुनिराज सिंह राठौर की बुक है, ये कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं तो। हालांकि देखिए मेरा ये मानना है कि पहले आप जब तक सब्जेक्टिव बुक्स नहीं पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे, तब तक इन बुक्स का कोई विशेष मतलब नहीं है। सर मोबाइल में नेट खत्म हो गया, कल क्लास ज्वाइन करेंगे सर, गुड नाइट। ठीक है श्याम जी, कोई बात नहीं। अमित चौरसिया जी, सेकेंड चैनल का नेम क्या है? सेकेंड चैनल का नेम है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी 11th एंड 12th, ठीक है, आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा अमित जी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, सेशन को शेयर कर दे, एक बार लाइक वाली बटन दबा दें। बताइए 40 40 45 45 लोग लाइव आ रहे हैं, दिख रहे हैं, और लाइक्स 20 20 आ रही हैं। लाइक करिए, लाइक में कंजूसी नहीं करिए आप लोग, लाइक में कंजूसी नहीं करिए, सभी लोगों से निवेदन है लाइक कर दीजिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। हमें बस इसी से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो लाइव बने रहिए, बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है, मोस्ट क्रिटिकल वीड कंपटीशन पीरियड इज अप टू कितना मंथ है? ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग एग्जिस्टेंस सुगर केन में जो वीड कंपटीशन बेसिकली होता है ट्रांसप्लांटिंग के बाद कितने मंथ तक सबसे ज्यादा चलता है? तो ये जो है ना चार, कितना 4 महीने तक। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो 4 महीना होता है, इस 4 महीने में वीट से सबसे ज्यादा इसको बचाना होता है, वीट के साथ कंपटीशन चलता है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ जानना नहीं है, जो बेसिक बेसिक है वो हम बताते चल रहे हैं, आपको लगभग चीजों को कवर करते चल रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, आप लोग को सभी को समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं आगे, चलते हैं। सर बीएचयू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें से पूछता है? बीएससी एजी में। बीएससी एजी का एंट्रेंस देना है या एमएससी एजी का एंट्रेंस देना है? प्रिंस जी, बीएससी एजी का एंट्रेंस देना है या एमएससी एजी का एंट्रेंस देना है? ठीक है, डिपेंड करता है। देखिए अभय पांडे जी, सर मैं तो आपके पढ़ाने के तरीके का दीवाना हो गया हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, कोशिश करते हैं बढ़िया पढ़ाने की, अपने तरफ से अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो ज्यादा कुछ नहीं, एक निवेदन आप लोगों से करेंगे, एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों से और लाइक वाली बटन दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। सभी से निवेदन है मेरा, बस इतना चाहिए हमें, इससे ज्यादा हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अभय पांडे जी हैं। ठीक है, और क्या है, और कौन कौन है इसमें? ठीक है, सभी लोग हैं बिल्कुल। बीएससी एजी के लिए देखिए प्रिंस कुमार जी, बीएससी एजी के लिए आपको जुड़ना है शाम को 4 से 9। ठीक है, वहां पर आप अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। जो इंटरमीडिएट में बच्चे हैं बीएससी एजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे शाम को 4 बजे से 9 बजे तक जुड़ा करें तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी 11वीं 12वीं के दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, 11वीं 12वीं का एक अलग प्लेटफॉर्म बना है। ठीक है, ये जो है ये तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, ठीक है, सिर्फ इस नाम से है, और वो जो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी 11वीं 12वीं के नाम से, उस प्लेटफॉर्म पे आप लोग जुड़िए, वहां पर आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, जितना भी कंफ्यूजन है सारा वहां पूछिए। ठीक है, बीएससी एजी के लिए विशेष रूप वो है। फिलहाल ये जो क्रॉप्स पढ़ा रहे हैं, ये क्रॉप्स आपके लिए बिल्कुल काम की है, ये आप क्लास कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके काम की हो सकती है, क्योंकि जो बेसिक बेसिक है क्वेश्चंस इससे भी आ जाते हैं। ठीक है, देखिए सवाल है कि मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड, ठीक है कह रहा मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड, ठीक है कह रहा मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड फॉर वीड कंट्रोल इन सुगर केन इज। तो सुगर केन में देखिए सीमाजिन भी यूज करते हैं, एट्राजिन भी यूज करते हैं, एलाक्लोर भी यूज करते हैं, तीनों यूज करते हैं, सीमाजिन भी, एट्राजिन भी, एलाक्लोर भी, इसलिए क्या होगा सही? सही होगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए, क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, एक खास बात है, सुगर केन में कैसे अंदाजा लगाते हैं कि सुगर केन अब काटने लायक हो गया है, अब मैच्योर हो गया है, ठीक है, यूज करने लायक हो गया, तो सुगर केन का जो है ना ब्रिक्स रेशियो निकालते हैं। क्या है? ब्रिक्स रेशियो, रिफ्रैक्टोमीटर से, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से क्या करते हैं? ब्रिक्स रेशियो निकालते हैं। थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें जानते चलिए, ब्रिक्स रेशियो निकालते हैं, और जब भी ब्रिक्स रेशियो 18 के आसपास, 16 से 18%, ठीक है, या 18% से ज्यादा आ जाता है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो सुगर केन है वो मैच्योर हो गई है। ठीक है, मैच्योर हो गई। एक और है, वो फेहलिंग टेस्ट करते हैं सुगर, ठीक है, फेहलिंग सॉल्यूशन से टेस्ट करते हैं, और उसमें क्या है, फेहलिंग सॉल्यूशन से, फेहलिंग सॉल्यूशन से टेस्ट करते हैं, ठीक है, फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, और इसमें जब भी ग्लूकोज का कंटेंट, किसका कंटेंट? ग्लूकोज का, ध्यान ये देना है, ग्लूकोज का कंटेंट जो है 0.5% से कम होना चाहिए, इसमें 0.5%, ग्लूकोज का कंटेंट 0.5% से कम होता है, तो हम ये मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, सुगर केन के राइपनिंग के लिए, ठीक है, कि जल्दी थोड़ी पक जाए, जल्दी मैच्योर हो जाए, पक जाए, मतलब कि सुक्रोज का कंटेंट जो है बढ़ जाए, ब्रिक्स रेशियो बढ़ जाए। ठीक है, इसके लिए क्या, कुछ एक केमिकल्स भी आते हैं, जैसे पोलरिस है, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, सुगर केन को जल्दी से मैच्योर करने के लिए पोलरिस का, या फिर क्या है, ग्लाइफोसेट है, ठीक है, ग्लाइफोसेट का भी प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक खास बात यह कि जब भी हम ज्यादा नाइट्रोजन का अगर प्रयोग करेंगे, अगर सुगर केन की क्रॉप में हम नाइट्रोजन ज्यादा देते हैं, तो क्या होता है, सुगर का जो सुगर कंटेंट है ना, वो सुगर कंटेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। हमेशा ध्यान रखना, नाइट्रोजन देने से क्या होता है, सुगर कंटेंट डिक्रीज होता है। और एक चीज और बताया था मैं कि जब भी पोटास देते हैं, सुगर का ट्रांसलोकेशन के लिए देते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और काम करते हैं किसान, क्या करते हैं, सुगरकेन को जला देते हैं। जला देते हैं मतलब पूरा आग लगा करके वो नहीं कर देना, सुगरकेन को ऐसे जलाने से क्या होता है, ठीक है, बर्निंग ऑफ सुगरकेन आपको मिल जाता है कई जगह। तो क्या होता है, जो सुगरकेन को जलाने से क्या फायदा होता है, जो मैच्योर होने का जो ये जो है ना, जो सुगर जो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है, इसलिए सुगरकेन को जलाने का भी काम करते हैं, ठीक है, बर्निंग भी करते हैं उसमें। जी हाँ बिल्कुल, बैन तो होते ही जा रहे हैं, इंडोसल्फान जैसा देखिए केमिकल बैन हो गया, ठीक है, तो बैन तो हो ही गया। मेलात जैसे सबसे सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड था एक समय का, तो बैन तो हो गया है, बशर्ते ऑप्शन है, मैंने बता दिया, ठीक है। श्याम मणि जी लाइक कर दिया हूं सर। कुलदीप सिंह सर MSc AG के लिए, जी हाँ बिल्कुल MSc AG के लिए है, ठीक है। रविंद्र कुमार जी राधे राधे, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम, सभी को हर हर महादेव। सेशन को शेयर कर दिया करिए आप लोग। MSc AG के लिए क्लास का टाइम, कुलदीप जी आई थिंक आप नए हैं चैनल पर। सर MSc AG के लिए कितने टाइम से क्लास चलती है? जी हाँ, तो बिल्कुल मैं आपको बता दे रहा हूँ, MSc AG के लिए जो क्लास की टाइमिंग होती है वो रात को 9 से 10 यही होती है, रात को 9 से 10 होती है पर डे, ठीक है। विशेष परिस्थितियों में समय को चेंज भी कर लिया जाता है, संडे को समय चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, आप चैनल को, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का जो चैनल है डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, उस पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, दूसरे या तीसरे नंबर पर आपको मिल जाएगा जनरल एग्रीकल्चर भाई उत्कर्ष उपाध्याय सर, उसमें जा करके, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। उसमें देखेंगे तो अपकमिंग वीडियोज की लिस्ट आ जाती है, मतलब कल क्लास कितने बजे होनी है वो आपको आज ही मिल जाएगा, ठीक है। और उसको 1-1.5-2 घंटा पहले आप चेक किया कर लेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा, वहां आपको क्या मिल जाएगा, वहां आपको मिल जाया करेगा ये चीज कि क्लास की टाइमिंग क्या है, ठीक है। समझ में आया कुलदीप जी? चैनल को एक बार लाइक कर लीजिए। प्रतीक देव पांडे जी राधे राधे, श्याम मड़ी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रद्धा जी प्रणाम, कुलदीप जी, निखिल सिंह जी राम राम, ठीक है मित्रों। तो देखते हैं, देखिए ठीक है, ये क्या हो गया, ऑल ऑफ दी अबव है, ऑल ऑफ दी अबव, अटराजिन, सीमाजिन, एलाक्लोर, सभी को यूज करते हैं यहाँ पे सभी को यूज करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ सुगर केन, देखिए डिजीज की बात कर रहा है कि सुगर केन का सबसे सीरियस डिजीज कौन सा है, ठीक है, सुगर केन का सबसे सीरियस डिजीज कौन सा है, ठीक है, सुगर केन का सबसे सीरियस डिजीज कौन सा है। थोड़ा देख लेते हैं सुगर केन के डिजीज के बारे में, ये तो है ही, ये तो करेंगे, सभी को पता है, आप लोग कमेंट करिए, ये तो करेंगे ही, ठीक है, ठीक है, इसको तो करेंगे ही। देखते हैं, बढ़ते हैं जरा, कुछ इसके डिजीज को नोट करते हैं, ये नोट करिए इसके कुछ डिजीज को, सुगर कैन के कुछ डिजीज को नोट करिए मित्रों, ठीक है, नोट करिए आप लोग। देखिए सबसे पहला जो डिजीज है ना, सबसे पहला डिजीज और जो सबसे फेमस डिजीज है जिसको आप सभी जानते हैं वो है रेड रॉट, ठीक है, रेड रॉट ऑफ सुगर कैन। रेड रॉट किससे होता है? गन्ने का लाल सड़न लोग, किससे होता है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, ठीक है, फाल्केटम, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम से होता है, किससे होता है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम से। गन्ने का लाल सड़न रोग जो होता है ना, गन्ने का लाल सड़न रोग जो होता है क्या होता है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम से। और ये जो गन्ने का सबसे डिस्ट्रक्टिव, सबसे सीरियस जो रोग है, सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव नहीं मोस्ट, देखिए एडजेक्टिव लग रहा है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, सबसे खतरनाक रोग है गन्ने का। क्या समझ में आया? सबसे खतरनाक रोग कौन है? यही रेड रॉट है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम से जो होता है, ठीक है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जब ये लगता है ना तो एल्कोहलिक स्मेल भी आती है, एल्कोहलिक स्मेल भी आती है, ठीक है, स्मेल फील्ड से, किसके फील्ड से? जिस फील्ड में इसका इन्फेस्टेशन हुआ है, जिस फील्ड में इसका इन्फेस्टेशन हुआ है, जिस फील्ड में ये रोग लगा है, उस फील्ड से एल्कोहलिक स्मेल आती है। कैसा कैसा? शराब जैसा, एल्कोहल जैसा, ठीक है, जिसको शराब आप आम भाषा में बोलते हैं, वैसा स्मेल आता है। अच्छा एक चीज है, एल्कोहल से याद है, गैसोहोल एक होता है, गैसोहोल, ठीक है, गैसोहोल जो है ना ब्राजील में बेसिकली यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। इसमें क्या होता है, 80% आपका जो है, 80% आपका जो है, जो जनरल आपका जो भी आपका फ्यूल है, जैसे जो जनरल फ्यूल में यूज करते हैं वो, और 20% जो है ना, 20% ये जो सुगर केन है ना, सुगर केन का इसको यूज करते हैं, ठीक है, इसको यूज करते हैं। 80% पेट्रोल होता है, और 80% क्या होता है? पेट्रोल होता है, और 20% क्या होता है? 20% क्या होता है? अल्कोहल होता है, ठीक है, ये यूज करते हैं। इंडिया में भी हालांकि इस पे काम चल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, गैसो होल बचता है बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब कि 100 लीटर जहां पेट्रोल खर्च होना था वहां 100 लीटर पेट्रोल न खर्च होकर के 80 लीटर पेट्रोल खर्च हुआ और 20 लीटर क्या हुआ, 20 लीटर क्या हुआ, ये अल्कोहल है। देखिए कुछ माइनर मिस्टेक्स बोलने में और लिखने में हो जाती है, हम बोल कुछ और रहे होते हैं, लिख कुछ और रहे होते हैं, तो ध्यान दिया करिए, बोलने को भी मिलाया करिए कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर ऐसे होता रहता है। तो 80% पेट्रोल है और 20% क्या है, एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल है। 20% क्या है, एल्कोहल है। ये क्या है, ब्राजील में बेसिकली, ठीक है। तो इसमें देखिए 100, अगर मान लीजिए 100 लीटर जो है पेट्रोल की अगर बात हो रही है तो 100 लीटर में 80 लीटर पेट्रोल यूज हुआ और 20 लीटर क्या है, अल्कोहल उसमें यूज हो रहा है। मतलब पर 100 लीटर पे 20 लीटर पेट्रोल जो है हम बचा रहे हैं, उसका हम दूसरा सोर्स ढूंढ के ले आए, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है, उसके क्षेत्र में, ठीक है। कुछ और इसके बेसिक वो भी जान लीजिए, ठीक है। गैसोल आ गया तो उसके साथ बैगासिस होता है, बैगासिस होता है और क्या होता है, मोलासिस होता है, थोड़ी वो भी देख लेते हैं। बैगासिस क्या होता है, ठीक है, फिर डिजीज तो हम लोग देख ही रहे हैं, बैगासिस होता है, क्या होता है, बैगासिस होता है, मोलासिस होता है, ठीक है, ये शुगर केन के बाई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, बैगासिस है, मोलासिस है, ठीक है। तो जो बैगासिस होता है ना, ठीक है, ये बेसिकली फ्यूल और पेपर मेकिंग में काम आता है, बेसिकली फ्यूल एंड पेपर मेकिंग, पेपर मेकिंग। ये सवाल पूछ चुका है, ये ARS का क्वेश्चन है, ये ARS 2004 में पूछा था, ठीक है, ARS 2004 में पूछा था, ठीक है। ये क्या है, ARS एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। और ASRB क्या है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, 1975 में। ये सब चीजें आप लोग देख लीजिए, पता पढ़ लीजिए, नहीं पता है तो हमारे लेक्चर्स को देखेंगे आप स्टार्टिंग के पहले दूसरे लेक्चर को, तो उधर सारी चीजें ये सब बता चुका हूं, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब क्या है, मोलासिस है, क्या है, मोलासिस है। मोलासिस क्या होता है, एल्कोहल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, एल्कोहल प्रोडक्शन के लिए मित्रों, किसके लिए, एल्कोहल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 इसके बाई प्रोडक्ट्स भी बता दिया, क्या है, जैसे बैगासिस हो गया, मोलासिस हो गया और क्या था, गैसोहोल बता ही दिया, ठीक है, ठीक है। और जो है प्रेसमड होता है, प्रेसमड, प्रेसमड, ठीक है, प्रेसमड जो होता है इसका ना, इससे जो रिलीज होता है, जो इसका बाई प्रोडक्ट है, ये क्या है, एसिडिक सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए काम आता है, किसके, रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल, ठीक है। अम्लीय मृदा, ठीक है, अम्लीय मृदा किसके लिए, अम्लीय मृदा के लिए, अम्लीय मृदा के सुधार में, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लाइम होता है, इसके अंदर क्या होता है, लाइम होता है, और लाइम क्या होता है, अम्लीय मृदा में, अम्लीय मृदा के सुधार के लिए, ठीक है। तो देखते हैं और इसमें और क्या क्या रोग लगता है, रोग के बारे में हम बात कर रहे थे, और रोग से बात करते करते इधर आगे, ठीक है। देखते हैं, MSc एंट्रेंस का एग्जाम देना है, कोई सिलेक्टेड बुक बताइए। जी मैंने बताया अभी, ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, आप देख लीजिए। फिर भी MSc AG के लिए मैं बुक बता दे रहा हूँ, बेसिक बुक्स आप लोग बार बार पूछते हैं, तो नेमरा सुंडा है, अरुण कात्यायन है, आप पढ़ सकते हैं इन बुक्स को, ठीक है। नेमरा सुंडा हो गई, अरुण कात्यायन हो गई, इन बुक्स को आप पढ़िए। और आप SR कांतवा लगा सकते हैं, RK शर्मा है, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बुक्स तो बहुत सारी हैं, आपको जितना भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल सारी बुक्स पढ़ लीजिए, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। और अजय अमित चौरसिया जी ने कमेंट किया, सर C3, C4 और कैम प्लांट में डिफरेंस बता देंगे क्या, ठीक है, वो भी जान लीजिए। फिलहाल डिजीज बता रहे थे लेकिन वो भी जान लीजिए, थोड़ा सा पूछ दिया तो। C3 है, C4 है और क्या है, कैम है, ठीक है, ठीक है। कैम क्या है, क्रेसुलेशन, ठीक है, एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये जो होता है ना, कैम प्लांट जो होते हैं ना, बेसिकली रेगिस्तान के पौधे, जहां पे पानी की कमी होती है वहां के जो पौधे होते हैं ना, ठीक है, वहां के जो पौधे होते हैं ना, उनमें ऐसा होता है। वो क्या होता है, बेसिकली उनमें पानी की जो कमी होती, मतलब कम पानी यूज करते हैं, ठीक है, उनका स्टोमेटा ठीक होता है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, ठीक है, ये ऐसे पौधे होते हैं। और क्या है, C4 प्लांट है, ठीक है, C4 को और क्या बोलते हैं, C4 को बोलते हैं हैच एंड स्लैग साइकिल, क्या बोलते हैं, हैच एंड स्लैग साइकिल बोलते हैं, ठीक है, हैच एंड स्लैग साइकिल बोलते हैं, ठीक है, हैच एंड स्लैग साइकिल इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, काल्विन साइकिल बोलते हैं, ठीक है, काल्विन साइकिल। कौन सी साइकिल बोलते हैं इसको? इसको काल्विन। C3 को क्या बोलते हैं? C3 को जो है काल्विन साइकिल बोलते हैं। C4 को क्या बोलते हैं? C4 को हैच एंड स्लैक बोलते हैं। ठीक है, हैच एंड स्लैक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो जो C4 प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, बेसिकली क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। कौन सी? क्रेंज एनाटॉमी। देखिए डिटेल में अगर इसके बारे में कभी पढ़ना है फिजियोलॉजी में हम बताएंगे क्रेंज एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी होती है क्रेंज एनाटॉमी। कौन सी? क्रेंज एनाटॉमी होती है। और ये जो होता है ना C4 में, C4 में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? बेसिकली जो C4 में होता है, बेसिकली जो C4 में आपके सुगर केन है, मेज है, सोरगम है, जैसे क्या क्या है, सुगर केन है, सुगर केन है, वो भी लिख लीजिए जरा, क्या क्या है, सुगर केन, सुगर केन है, सुगर केन, सुगर केन, और क्या है, मेज है, मेज है, और क्या है, सोरगम है। ये सब क्या है बेसिकली C4 वाले में है। ठीक है, बेसिकली C4 में है। ठीक है, C4 में कौन कौन से हैं ये सब। अच्छा जरा C3 का भी नोट कर लीजिए। तो जो C3 का है वो क्या है, व्हीट है, राइस है, बार्ली है, मतलब कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं। ये सब जो है ना, ये जो प्लांट्स हैं इसमें C3 साइकिल पाई जाती है। कौन सी? C3, जो काल्विन साइकिल है वो पाई जाती है। ठीक है, काल्विन साइकिल जो होती है उसमें वो पाई जाती है। ठीक है, और देखिए जो इसका जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है C3 का, वो PGA होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। ठीक है, PGA होता है। और जो इसका जो है किसका, C4 साइकिल का, ये क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, इतना डिफरेंस काफी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या होता है जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ये 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, अभय पांडे जी ने, सर MSc एंट्रेंस के लिए एग्जाम देना है, कोई सिलेक्टेड बुक्स बता दीजिए प्लीज। सर बताइए, मैं बिहार से हूँ, आपका रोज क्लास देखती हूँ। जी हाँ, देखिए मैंने सिलेक्टेड बुक्स, देखिए सिलेक्टेड बुक्स से तो खैर ठीक है, लास्ट में पढ़ने के लिए होता है, हालांकि फिर भी मैं बहुत ज्यादा तो देखिए, अगर आपने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा होगा, सब्जेक्टिव पढ़ा होगा, सारे क्लासेज अगर ध्यान से किए होंगे तो लास्ट में आप NR सुंडा, नेमराज सुंडा पढ़ सकते हैं। ठीक है, NR सुंडा है, अरुण कात्यायन की है, शॉर्ट में डिस्क्रिप्टिव टाइप की बुक है। ठीक है, ये 1 वर्ड टाइप है, अरुण कात्यायन की क्या है, शॉर्ट में डिस्क्रिप्टिव टाइप की बुक है, अरुण कात्यायन की। ठीक है, कात्यायन की। बाकी अगर आपको सॉल्व करना है, लगाना है, ठीक है, एक और डिस्क्रिप्टिव टाइप की बुक है, मतलब शॉर्ट टाइप की, RK शर्मा की बुक है। बाकी आपको लगाना है ऐसे तो SR कांतवा लगा सकते हैं। हालांकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन बैच लॉन्च करने का बहुत जल्दी, क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है तो हम जरूर आपके लिए वो करेंगे। ठीक है, जरूर आप संपर्क करिएगा, आपके लिए रहेगा। राहुल शुक्ला जी हैं, गुड नाइट सर। अभय पांडे जी, समझ में आया आपको? ठीक है, आप क्लासेज ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, बहुत अच्छा लगता है, हमारी पहुंच आप तक होती है तो ठीक है, हमारी पहुंच आप तक होती है तो अच्छा लगता है। ठीक है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म समझ में आया, इसको सकुलेंट प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकुलेंट प्लांट, सकुलेंट प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकुलेंट प्लांट, लिख लीजिए SU, सकुलेंट प्लांट। ठीक है, ये क्वेश्चन जिसने किया था, क्या नाम था, अमित चौरसिया जी। समझ में आया आपको? समझ में आया अमित जी, कमेंट कर दीजिए एक बार। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मतलब हम डिजीज बता रहे थे, थोड़ा डिजीज देख लेते हैं। और तो रेड रॉट तो हमने बता दिया, रेड रॉट के अलावा और देख लेते हैं, और कुछ डिजीजेज इसकी देख लेते हैं। ठीक है, और जो इसकी डिजीज है, अब जैसे देखिए इसमें एक ग्रासी सूट स्टंट पाया जाता है। ठीक है, ग्रासी स्टंट, ठीक है, ग्रासी स्टंट ऑफ सुगर केन। क्या है? ग्रासी स्टंट। ग्रासी स्टंट किससे होता है? माइकोप्लाज्मा से होता है। माइकोप्लाज्मा किससे होता है? लिख लीजिए, माइकोप्लाज्मा से होता है। समझ में आ रहा है मित्रों? माइकोप्लाज्मा से क्या होता है? ग्रासी स्टंट डिजीज होती है। ठीक है, ग्रासी स्टंट मतलब ग्रासी सूट डिजीज। ठीक है, क्या है? ग्रासी सूट डिजीज। ठीक है, ग्रासी सूट डिजीज होती है, किससे होती है? माइकोप्लाज्मा से होती है। ठीक है, अगला नोट कर लेते हैं, स्मट होता है, स्मट। ठीक है, इसका भी स्मट होता है, स्मट। जीनस कमेंट करिए आप लोग, स्मट किससे होता है? सभी लोग कमेंट करें, ये स्मट किससे होता है? ठीक है, ये स्मट किससे होता है? सभी लोग कमेंट करें। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए अस्टिलागो सीटेमिनिया। ठीक है, अस्टिलागो। व्हीट का स्मट किससे था वो जरा कमेंट करिए, मैं सभी का कमेंट देख रहा हूं। सीटेमिनिया, व्हीट का स्मट बताइए जरा सभी लोग, सभी लोग कमेंट करें वीट का स्मट किससे होता है, गेहूं का जो स्मट होता है वो किससे होता है, ठीक है। और जरा उसका भी कवर्ड स्मट भी बता दीजिए किससे होता है, कमेंट करिए, मैं सभी के कमेंट चेक कर रहा हूं, ठीक है। गेहूं का स्मट बताइए, कवर्ड स्मट बताइए, बार्ले का, ठीक है, दोनों बताइए, कौन सा एक्सटर्नल सीड बर्न है, कौन सा इंटरनल सीड बर्न है, ठीक है। जरा कमेंट करें सभी लोग, मैं देख रहा हूँ सभी के कमेंट देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइव इतने लोग हैं, सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। और देखते हैं और एक दो डिजीज देख लेते हैं जरा सा, ठीक है, और एक दो डिजीज। तो जो स्मट होता है ना, इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, विप स्मट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विप स्मट, इसी को विप स्मट भी बोल देते हैं, ठीक है। विप स्मट किसमें होता है, इसमें होता है स्टिलागो सीटे, शुगर केन में ही स्टिलागो सीटेमिनियस होता है, ठीक है। एक और डिजीज है वो जो है पाइनएप्पल डिजीज, बढ़िया डिजीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पाइनएप्पल डिजीज अक्सर पूछ लेता है। पाइनएप्पल डिजीज जो होता है ना, पाइनएप्पल डिजीज ये किसमें होता है और किससे होता है, ठीक है। पाइनएप्पल डिजीज जो है ना, पाइनएप्पल डिजीज किससे होता है, आनंद प्रताप जी सीएसए से हैं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, बहुत सही बता रहे हैं। अविनाश जी हैं, आनंद कुमार सरोज जी हैं, ठीक है, आनंद जी ने अच्छा बताया है, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आनंद जी, आनंद सरोज जी हैं, आनंद प्रताप सिंह जी हैं, सभी सही जा रहे हैं। अब देखिए पाइनएप्पल डिजीज जो है ना, बताइए किससे होता है, इसी को सेट रॉट भी बोलते हैं, ठीक है। सिरेटोसिस्टिक पैराडॉक्सा, क्या है, सिरेटोसिस्टिस पैराडॉक्सा, किससे होता है, सिरेटोसिस्टिस पैराडॉक्सा से, ठीक है, पैराडॉक्सा, ठीक है, सिरेटोसिस्टिक पैराडॉक्सा से क्या होता है, पाइनएप्पल डिजीज होता है, इसी को सेट रॉट भी बोलते हैं। सेट क्या होता है, केन का सेट होता है, ठीक है, सेट रॉट बोलते हैं। सेट मतलब क्या, जिससे हम उसका मतलब जो मतलब ये जो मान लीजिए ये है केन, ठीक है, ये इसका नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये क्या है, ये नोड है, ये इंटरनोड है। अब मान लीजिए तीन इंटरनोड वाला हमने सेट काट लिया, ठीक है, इसको इसका हम प्रयोग कर रहे हैं बोने के लिए, तो यही क्या है, केन सेट है, यही क्या है बच्चों, केन सेट है, ठीक है, ये क्या है, ये केन सेट है। चलिए आनंद जी ने बताया है लूज स्मट इंटरनल सीट बर्न और कवर्ड स्मट एक्सटर्नल सीट बर्न, वेरी गुड आनंद प्रताप जी सीएस से, बहुत सुंदर आनंद जी, ठीक है। एक और देख लीजिए जरा एक और देख लीजिए, रेड स्ट्राइप, ठीक है, रेड स्ट्राइप किससे होता है, रेड स्ट्राइप कैसी डिजीज है, तो बैक्टीरियल डिजीज है, शुगर केन में होता है रेड स्ट्राइप भी, ठीक है। रेड स्ट्राइप कैसी डिजीज है, रेड स्ट्राइप कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, कैसी है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज। किस बैक्टीरिया से होती है, कमेंट करें आप लोग, कमेंट करें सभी, कमेंट करें किस बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। शुगर केन जो होता है, शुगर केन में जो रेड स्ट्राइप होता है किससे होता है, ठीक है, कमेंट करें, ठीक है, लिख लीजिए किससे होता है, जैंथोमोनास, जैंथोमोनास मोनास रूब्रिलेंस, किससे होता है, रूब्रिलेंस, ठीक है, रूब्रिलेंस से होता है, जैंथोमोनास रूब्रिलेंस से होता है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है, जैंथोमोनास रूब्रिलेंस से होता है। समझ में आ रहा है सभी को समझ में आ रहा है, देखिए यही क्वेश्चन था ना, तो ठीक है, जैसे देखिए रेड स्ट्राइप का बता ही दिया, मट बता ही दिया, रेड डॉट बता ही दिया, और यही क्या है, मेजर है, ठीक है। और विल्ट तो पता ही है किससे होता है, फ्यूजेरियम से होता है, सभी को पता है विल्ट, ठीक है, सभी विल्ट तो पता ही है, विल्ट फ्यूजेरियम से होता है। तो ये जो है रेड डॉट जो था वो सबसे खतरनाक डिजीज था, सबके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया लगभग जो डिजीज समझ में आया, जो डिजीज दिमाग में आया, ठीक है। ग्रासी स्टंट बता ही दिया आपको, माइकोप्लाज्मा से होता है ग्रासी स्टंट, ठीक है, ग्रासी स्टंट भी बता दिया आप लोग को, ग्रासी सूट भी बता दिया, ग्रासी स्टंट भी बता दिया। एक और लिख लीजिए आप लोग, एक और लिख लीजिए, रतूल स्टंट डिजीज, ठीक है, रतूल स्टंट डिजीज होता है, रतूल स्टंट डिजीज होता है, स्टंट डिजीज होता है, डिजीज होता है। और ये जो होता है ना, ये क्लेवीबैक्टर जाइली से होता है, किससे होता है, क्लेवीबैक्टर जाइली से होता है, ठीक है, जाइली से होता है, नोट कर लीजिएगा, क्लेवीबैक्टर जाइली से होता है रतून स्टंट डिजीज, ठीक है, रतून स्टंट डिजीज, ठीक है। लगभग 6-7 डिजीज, 7-8 डिजीज जो भी थे, ये लगभग गन्ने के जो भी मुख्य डिजीज थे मैं आपको बता दिया, रतून स्टंट भी बता दिया, रतून स्टंटिंग भी बता दिया, ठीक है, और सारी चीजें। गमोसिस भी लिख लीजिए, एक गमोसिस होता है जैंथोमोनास वैस्कुलोरम से, ठीक है। एक और डिजीज है गमोसिस, गमोसिस जो होता है, गमोसिस, ठीक है, लिख लीजिए जैंथोमोनास वैस्कुलोरम से, ठीक है, जैंथोमोनास मोनास वैस्कुलोरम से, किससे होता है, वैस्क्यूलोरम से, ठीक है, जैंथोमोनास वैस्कुलोरम से होता है, क्या होता है, गमोसिस होता है। ये जो डिजीज है लगभग सभी डिजीज हमने कवर कर लिया है शुगर केन का, ठीक है। अमित चौरसिया जी, सर डेली अलग अलग क्रॉप पढ़ाते हैं क्या? देखिए बेसिकली यहाँ पर बेसिकली जनरल एग्रीकल्चर चल रहा है, ठीक है, जनरल एग्रीकल्चर चल रहा है और जनरल एग्रीकल्चर में बेसिकली सब कुछ पढ़ा देते हैं, ठीक है, जो जो क्रॉप्स हैं या क्रॉप्स आते हैं या आपके रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे भी क्वेश्चंस मिल जाए, जैसे भी क्रॉप्स मिल जाए। फिलहाल हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स का पढ़ा दीजिए, तो राइस हो चुका है, व्हीट हो चुका है, शुगर केन आज लगभग 70% कंप्लीट हो चुका है, जो बचेगा वो कल कर देंगे, ठीक है, वरना वीडियो काफी लंबी चली जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 50-55 मिनट से मैं क्लास ऑलरेडी ले रहा हूं, अब बहुत लास्ट चल रहा है, अभी इंसेक्ट्स वगैरह बताने हैं, कुछ बेसिक चीजें बतानी है, कुछ इसके मेथड्स वगैरह बताने हैं, ठीक है, तो बाकी लगभग चीजें तो यही है, ठीक है, टाइमिंग यही होता है क्लास, ठीक है। जनरल एग्रीकल्चर एक ही क्रॉप तो पूरे दिन आप पढ़ नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं अपने पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी सेट्स आर नीडेड टू प्लांट 1 हेक्टेयर ऑफ सुगरकेन। सेट्स वही है जो मैं बताया आपको, सेट्स तो समझ में आ ही गया होगा। जनरली 3 बर्ड का सेट लेते हैं, जनरली 3 बर्ड का, ठीक है, जनरली 3 बर्ड का, 3 बर्ड मतलब एक ये, तो ये जो है ना यहाँ से यहाँ काट लिए इसको, ये क्या हो गया, एक सेट हो गया जनरली। हालांकि एक सेट का भी, एक बर्ड वाला सेट भी लेते हैं, IISR से डेवलप हुआ है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, उसकी बात नहीं करेंगे, जनरली हम 3 का लेते हैं, ठीक है, इसको एक सेट बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे कितने सेट चाहिए 10,000 मीटर स्क्वायर के लिए, किसके लिए, 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर मतलब क्या, 10,000 मीटर स्क्वायर अगर बोना है तो देखिए इसको तो कैलकुलेट भी किया जा सकता है। कैलकुलेट ऐसे किया जा सकता है कि जनरली 90 सेंटीमीटर, 75 से 90 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे, दूरी पर एक सेट को रखा जाता है, ठीक है, और टोटल कितना है 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया है, और नीचे क्या रख देंगे 75 से 90 सेंटीमीटर। अब या तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, आएगा क्या आएगा 35,000 से 40,000। तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ रटना है, ये प्रूवन है, ठीक है, जो मैंने बताया जो 75 से 90 सेंटीमीटर का गैप है, 75 से 90 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये जो गैप है ना 75 से 90 सेंटीमीटर वाला, इस गैप पे जब रखेंगे और जब इसको हम करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितने एरिया है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे आप, ठीक है, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे जब इससे डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा, लगभग 35 से 40,000, ठीक है। मान सिंह मौर्य जी हैं, नीलकंठ जी हैं, अविनेश यादव जी हैं, रॉयल सिवा हैं, ठीक है, सभी लोग सही बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, सभी बच्चे यहाँ पर लगभग अच्छा बता रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं। बढ़ते हैं, समझ में आया आप लोग को, एक बार जरूर कमेंट करें, सभी के कमेंट देख रहा हूं मैं, एक बार कमेंट करें, सभी मित्रों से अनुरोध है। रॉयल सिवा, ए बी बी बी, ठीक है, बी सही है, 35 से 40 जा रहे हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेंच मेथड ऑफ सुगर केन प्लांटिंग इज यूज, ठीक है, कह रहा है ट्रेंच मेथड जो है ना इसका यूज हम कहां करते हैं, ट्रेंच मेथड की बात कर रहा है, ठीक है, ट्रेंच में, तो ट्रेंच मेथड को बेसिकली और क्या बोलते हैं, जावा मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जावा मेथड। ट्रेंच मेथड को और क्या बोलते हैं, जावा मेथड बोलते हैं, समझ रहे हैं, ये अच्छा है, नोट कर लीजिएगा इसको, ट्रेंच को और क्या बोलते हैं, जावा मेथड, और कहां पर बेसिकली इसका यूज करते हैं, ठीक है, कहां पर, ठीक है। अमित चौरसिया जी, सर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कल आप सॉयल साइंस के जनरल क्वेश्चंस को बता दीजिएगा, ठीक है अमित जी, बिल्कुल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ट्रेंच जो है, तो इसमें क्या होता है, 20 से 25 सेंटीमीटर डीप ट्रेंच बनाए जाते हैं, 20 से 25 सेंटीमीटर, कितना 20 से 25 सेंटीमीटर के, और स्पेसिंग क्या रखते हैं वही 75 से 90 सेंटीमीटर की, एक सेट से दूसरे सेट के बीच का, ये क्या है, यही डीप, इतना डीप बनाते हैं, ठीक है, इतना डीप, और इसी ट्रेंच में क्या करते हैं, इसको सेट्स को रखते हैं 75 से 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है यू शेप में, ठीक है, बेसिकली यू शेप में, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग, यू शेप मतलब क्या है, जैसे ये है, ये है, ये है, ऐसे रखने से क्या होगा, फिर इसको जब स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है ना आपस में, इनको सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, यू शेप में बेसिकली बनाते हैं, और किस लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड्स जहां चलते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड वाले रीजन में, स्ट्रॉन्ग विंड क्या है, कोस्टल एरियाज में चलते हैं, किस एरिया में, कोस्टल एरियाज में, ठीक है, कोस्टल एरियाज में, तो ये क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स वगैरह, ठीक है, इस वजह से वहां ट्रेंच मेथड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ट्रेंच मेथड का प्रयोग किया जाता है। वेस्टर्न इंडिया नहीं है, ठीक है, आनंद प्रताप सिंह ने बोला सी रीजन, जी हाँ बिल्कुल कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज जो है यही है कोस्टल एरियाज, ठीक है, ये सी रीजन कह सकते हैं आप एक तरह से, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, ट्रेंच मेथड का उपयोग करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं अगला स्लाइड क्या है। आनंद जी ने बिल्कुल सही बताया है, बिल्कुल सही है आनंद जी। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला स्लाइड क्या है। ओके नेक्स्ट स्लाइड क्या है अपने पास, कह रहा है विद टू मच इंक्रीज इन नाइट्रोजन एप्लीकेशन, कह रहा है ज्यादा अगर नाइट्रोजन का प्रयोग कर देते हैं तो सुगर कंटेंट इन जूस इज। तो देखिए जब भी नाइट्रोजन, मैं अभी पहले ही थोड़ी देर पहले ही बताया, जब भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का या नाइट्रोजन का जब भी ज्यादा प्रयोग कर देंगे तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जो सुगर कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं थोड़ी देर पहले बताया था आपको, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। और बेसिकली जो है धान के लिए और शुगर केन के लिए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कौन सा यूज करते हैं, अमोनियम सल्फेट यूज करते हैं। क्या, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। नाइट्रोजन देने के लिए बेसिकली किसका यूज करते हैं, अमोनियम सल्फेट का। और वही अगर एसिडिक सॉइल है और जिसमें गन्ना बोया गया है तो वहां क्या यूज करेंगे, यूरिया यूज करेंगे, ठीक है, यूरिया, ठीक है, यूरिया यूज कर लेते हैं। और ऐसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का, ठीक है, कैन खाद का, ठीक है, कैन का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए बेसिकली मोटा मोटी जितनी चीजें हैं लगभग हम कवर अप करते चल रहे हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं हम सी रीजन में वाइंड से गिरने से बचाने के लिए। जी हाँ बिल्कुल आनंद जी, वही मैं बताया, इसीलिए यू शेप में करते हैं। नीलकंठ जी ए, यस सर क्लियर है, ठीक है, सभी का क्लियर है, सभी ने ए बताया। मान सिंह ए, रॉयल शिवा इन्होंने भी ए बताया है, रिशु, चलिए ठीक है, बिल्कुल सभी सही जा रहे हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सभी सही बता रहे हैं बच्चे। देखिए कह रहा है इंसेक्ट पे आ गया, थोड़ा सा इंसेक्ट के बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। इंसेक्ट के बारे में अगर डिस्कस कर लेंगे तो लगभग क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। थोड़े इसके इंसेक्ट्स देख लेते हैं। कह रहा है कि एप्रिकेनिया मेलेनोल्यूका जो है ना, ये एक पैरासिटाइड है, जाहिर सी बात है पैरासिटाइड है। पैरासिटाइड क्या होता है, जो पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट हो। अब पैरासाइट कौन है, ठीक है, ठीक है, और पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट कौन, पैरासाइट कौन है, तो पैरासाइट वो है भाई जो दूसरे के ऊपर जी रहा हो, परजीवी, मतलब जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या है, एक तरह से क्रॉप के लिए पैरासाइट है, पैरासाइट है। और उन इंसेक्ट्स को जो मार रहा है, उन इंसेक्ट के ऊपर जो लग रहा है वो क्या है, पैरासिटॉइड है। तो ये एप्रिकेनिया मेलेनोल्यूका है। इतने से तो आप समझ गए होंगे कि जाहिर सी बात है कि ये किसी पैरासाइट, मतलब किसी इंसेक्ट को ये मार रहा होगा, उसके ऊपर लग रहा होगा, इसीलिए इसको हम पैरासिटॉइड बोल रहे हैं। चलिए ये तो बात समझ में आ गया कि ये पैरासिटॉइड है, पैरासिटॉइड है, ये किसी इंसेक्ट के ऊपर लग रहा है, वेरी गुड। अब देखते हैं कि ये किस पे लगता है, ठीक है, तो ये किस पे लगता है थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो होता है ना, शुगर केन पायरिला पे लगता है, ठीक है, किस पे लगता है, हाँ शुगर केन पायरिला पे लगता है, किस पे लगता है, शुगर केन पायरिला, किस पे लगता है, नोट कर लीजिए सभी लोग, इसको नोट कर लीजिए, किस पे लगता है ये शुगर केन के पायरिला पर लगता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताए, ठीक है, शुगर केन के पायरिला पर कौन लगता है, तो शुगर केन के पायरिला पर यही इंसेक्ट लगता है, ठीक है। और इसका जो नाम होता है ना, जो शुगर केन पायरिला का नाम होता है, जरा वो भी जान लीजिए, शुगर केन पायरिला को क्या बोलते हैं, ठीक है। शुगर केन पायरिला के अलावा भी जितने और इंसेक्ट हैं उसका भी नाम लिख लीजिए, ठीक है। ये क्या है, पायरिला, पायरिला परपूसिला, पायरिला, पायरिला परपूसिला, ये क्या है, ये इसका नाम है, ठीक है, शुगर केन पायरिला का, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। शुगर केन पायरिला को और क्या बोलते हैं, शुगर केन, ठीक है। इसके अलावा और जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, और इंसेक्ट जो है वो भी देख लेते हैं, और एक दो इंसेक्ट, एक इंसेक्ट है टॉप बोरर, ठीक है, टॉप बोरर, टॉप बोरर लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, टॉप बोरर क्या होता है, टॉप बोरर को ट्राइपोराइजा, ट्राइपोराइजा राइजा निवेला, ठीक है, ट्राइपोराइजा निवेला, ठीक है, ये भी एक इंसेक्ट है, शुगर केन में लगने वाला, ट्राइपोराइजा निवेला, ठीक है। ये क्या करता है, इसके कैटरपिलर जो है मिडरिप पे आते हैं, बेसिकली जो भी बोरर है टॉप बोरर, ये क्या करते हैं, डेड हार्ट का मैं बताया था कल की क्लास में, ये डेड हार्ट का क्या करते हैं, सिम्पटम देते हैं, कैसा देते हैं, डेड हार्ट का सिम्पटम देते हैं, ठीक है, ट्राइपोराइजा निवेला जो है, ठीक है, ओके ओके। और इसके एक आध इंसेक्ट्स लिख लीजिए, ठीक है। सुगर केन व्हाइट फ्लाई होता है बेसिकली, सुगर केन व्हाइट फ्लाई बढ़िया क्वेश्चन है, सुगर केन व्हाइट फ्लाई है, एल्यूरोलोबस बैरोडेंसिस, क्या है? व्हाइट फ्लाई, ठीक है, क्या है? एल्यूरोलोबस बैरोडेंसिस, एल्यूरोलोबस बैरोडेंसिस, क्या है? बैरोडेंसिस, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या है? ये एल्यूरोलोबस बैरोडेंसिस है, ठीक है। तो हमको लगता है लगभग जो इंपॉर्टेंट इसके इंसेक्ट्स थे, ठीक है, वो हमने बता दिए, ठीक है। इसमें एक मिली बग भी लगता है, ठीक है। तो इसके साथ जो है आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि सेशन काफी अब लंबा चला जाएगा। कल इसके आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आनंद प्रताप जी हैं, ठीक है, सभी लोग हैं, शुभम जी, रिंकू विश्वकर्मा जी, अमित चौरसिया जी, रॉयल सिवा है, विनेश यादव जी हैं। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि, सभी को हर हर महादेव। आप लोग एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए यहीं काफी करते हैं, कल रात फिर से 9 बजे आपकी लाइव क्लास होगी, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का।